जैसा आपको पहले पता लग ही गया होगा, तो सबसे पहले जो है वो मैं टोनर स्प्रे कर रही हूँ, टेन में लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र। एंड जो ये टोनर एंड मॉइस्चराइज़र है ना, सीरियसली में बहुत ही अच्छा वर्क करता है, मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। टोनर था मेरा गुड वाइब्स का एंड मॉइस्चराइज पॉन्ड्स का। देन नेक्स्ट जो है वो मैं अप्लाई कर रही हूँ आपको कंसीलर, जिस इस एरिया में मुझे थोड़ा डार्क लग रहा है, एंड आईलिड्स के ऊपर, ताकि आई शैडो का एक अच्छा सा बेस बन जाए। देन स्मॉल ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करते हुए मैंने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है कंसीलर को। अगर ब्लेंड प्रॉपरली नहीं होगा तो वो अच्छा वर्क नहीं करेगा। सो देन नेक्स्ट जो है वो मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ डॉट डॉट करके। फाउंडेशन मैंने लिया है लक्मे का 925। देन अगेन उसे ब्लेंड 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 करना है अच्छे से। एंड ये इयरिंग मुझे बहुत परेशान कर रही थी, बार बार गिर जा रही थी कानों से खुल के। नेक्स्ट मैंने पाउडर अप्लाई किया, देन ये ब्राउन्जर, तो देख सकते हो आप जो भी था मेरा ब्रश के हब से एक्स्ट्रा पाउडर वो मैंने रिमूव कर दिया है, मैंने निकाल दिया है। एंड मेरा फास्टिंग, जब मैंने ये वीडियो शूट किया था तब मैं फास्टिंग पे थी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब खुद में मुझसे हो नहीं रहा था मैं, लेकिन फिर भी बस मुझे मन नहीं लग रहा था तो मैं बैठ कर रही थी। देन अब मैं जो है वो आईब्रो फिल कर रही हूँ आपको, तो अच्छे से आईब्रो को ब्रश भी कर दो। नेक्स्ट जो है वो मैं ब्लैक स्मोकी समथिंग आइस कर रही हूँ, तो ब्लैक आई शैडो ली हूँ। देन अगेन ब्लेंड 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 अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है आपको। नेक्स्ट जो है थोड़ा सा मैं ब्राउन शेड को लेके अपर आईलिड्स पे जो होता है वो लगा रही हूँ, ताकि एक अच्छा सा इफेक्ट आ जाए। नेक्स्ट मेकअप रिवोल्यूशन के पैलेट से मैंने ये शिमर ग्लिटर का शेड लिया है, सिल्वर शेड में मैंने लिया है, जो मैंने आईलिड पे अप्लाई कर दिया है लोअर आईलिड पे। अब जो है वो मैं लगा रही हूँ आपको लैक्मे का आईलाइनर। आई लव आई मेकअप, मुझे अगर कोई आई मेकअप का मतलब बात करे तो मुझे आई मेकअप में सबसे अच्छा लाइनर लगाना लगता है। नेक्स्ट जो है वो मैं काजल के प्लेस पे जो है एक आपको डार्क मैरून कलर का ले रही हूँ आई शैडो पैलेट में से ही, जिससे थोड़ा सा मैं आपको जो है एज अ काजल यूज़ कर रही हूँ, ताकि इससे मेरे आईज़ को जो और थोड़ा ड्रामेटिक इफेक्ट दे। नेक्स्ट जो है आपको मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, लैक्मे का ही मस्कारा है। मेरे अधिकतर मेकअप प्रोडक्ट जो है वो लैक्मे के ही आपको मिलेंगे। देन नेक्स्ट ब्लश यूज़ कर रही हूँ, सेम आई शैडो पैलेट से ही मैंने ब्लश लिया है, और फिर से मेरी इयरिंग जो है गिर गई। एंड ये भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट पार्ट है आपको, हाईलाइटर मुझे बहुत पसंद है, हाईलाइटर मुझे बहुत अच्छा लगता है, सिमर सिमर लुक देता है ना आपको। तो थोड़ा सा हाईलाइटर मैं नोज़ पे भी अप्लाई कर रही हूँ एंड थोड़ा सा चिन पे भी, ताकि अच्छा सा एक इफेक्ट आए मेरा। तो मेरा ओवरऑल मेकअप जो है डन हो चुका है, तो बस मुझे लिपस्टिक लगानी है। तो लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ माई ग्लैम का लिपस्टिक, ये रेड वाला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड मेरी सारी लिपस्टिक गाइज ना टूट गए हैं, पता नहीं मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। देन वो कलर मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने मिक्स करके लगा लिया। नेक्स्ट मैंने यूज़ किया था ये मैबलिन का था, पिंक सेड में समथिंग लिपस्टिक था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मेकअप सेटिंग स्प्रे के तौर पर मैंने यही आपको यूज़ कर लिया है, टोनर को ही एज अ मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ कर लिया। एंड दैट्स माय फाइनल लुक। फाइनली मैंने ये वीडियो एडिट कर लिया, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं कब एडिट कर पाऊँगी, ऐसे ही मेरे गैलरी में पड़ा हुआ था, तो मैं सोची चलो एडिट कर लूँ, अपलोड कर लूँ, करना चाहिए, कुछ कुछ ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होता है। तब तक जब तक क्या हुआ था, जब मेरा फाइनल हुआ था ना, मेरा फेस बहुत ज़्यादा मुझे डल लग रहा था, क्योंकि आप इतने दिन फास्ट पे हो तो नहीं हो पाता है। सो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा ये मेकअप लुक। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही ईजी वे में हो गया। एंड ये दाढ़ियाँ देख के ना
सीरियसली मैं गाइस मुझे डांडिया खेलने का मतलब इतना इच्छा होने लगा कि मैं नहीं बता सकती हूँ कि इस एरिया में कहीं पर भी डांडिया या गरबा वगैरह नहीं होता है, तो कोई चांस ही नहीं बनता। मतलब मन में जो है ना बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल करके रखना पड़ता है। इट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो गाइस, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू सून, बाय बाय।